क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारियां हो रही हैं? वॉशिंगटन डीसी में क्यों सड़कों पर उतरी जनता? यूएस में सत्ता संघर्षों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन यूएस में सत्ता संघर्ष। अमेरिकी चुनाव में बाइडेन की जीत के बावजूद राष्ट्रपति पद पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस में भी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारियों की खबर है। ऊपर से ट्रंप का ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन पर इंतजार करना होगा कई सवाल खड़े करता है। चुनावी धांधली को लेकर बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके ट्रंप अब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। कयास है कि 4 साल बाद भी ट्रंप ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनके पास ट्रंप से ताकतवर और लोकप्रिय कोई उम्मीदवार नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में धांधली को लेकर ट्रंप 10 और केस दायर कर सकते हैं। पहले से दर्ज मुकदमों की भी फहरिस्त लंबी है। इस कानूनी लड़ाई में वक्त लग सकता है, यानी 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ पर ग्रहण की पूरी तैयारी है। चुनाव के बाद अमेरिका में सत्ता संघर्ष चरम पर है। हालात ये हैं कि दूसरे देशों से आने वाले मैसेज बाइडेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्हाइट हाउस का स्टेट डिपार्टमेंट इस तरह के मैसेज प्रेसिडेंट इलेक्ट तक पहुंचाता है, लेकिन ट्रंप की जिद के चलते विदेश मंत्रालय भी मजबूर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के विरोध में हजारों की संख्या में लोग वॉशिंगटन डीसी में सड़कों पर उतरे। ट्रंप समर्थकों ने मिलियन मेगा मार्च कर रिकाउंटिंग की मांग की और चुनावी नतीजों को झूठा बताया। कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई। राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए ट्रंप हर हथकंडा अपना रहे हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर ट्रंप ने अपने समर्थकों को वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर उतार दिया। ट्रंप भी रहस्यमयी तरीके से रैली में शामिल हुए और कार में बैठकर लोगों का अभिवादन करते रहे। वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान ट्रंप समर्थक और पुलिस में झड़प भी हुई। पुलिस के बल प्रयोग से ट्रंप समर्थक इधर उधर भागते नजर आए। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वॉशिंगटन में समर्थकों पर हुए पुलिस बल प्रयोग का डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया है। ट्रंप ने ट्वीट कर वॉशिंगटन पुलिस की आलोचना की और कहा कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर हमला किया, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के प्रोटेस्ट का अनोखा नजारा देखने को मिला। एक जगह ट्रंप समर्थकों ने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए ड्रम बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां हजारों समर्थक भी मौजूद रहे।